तो गाइस आपको टीम बैटल सीरीज तो याद होगा ही, जहां पर हम दो टीमों के बीच बैटल करते थे, एनालाइज करते थे और जानते थे कि उन दोनों टीमों में से ज़्यादा अच्छी टीम कौन है। और उस सीरीज पर मैंने बहुत महीनों से एक भी वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन ये वीडियो होने वाला है टीम बैटल के ऊपर। और यहाँ पर हम बैटल करने वाले हैं पटना पायरेट्स वर्सेस गुजरात फॉर्चून जायंट्स के बीच। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो पहले हम नजर डालने वाले हैं पटना पायरेट्स और गुजरात फॉर्चून जायंट्स के प्रो कबड्डी के हिस्ट्री के ऊपर, उनके पूरे परफॉर्मेंस के ऊपर। उसके बाद हम नजर डालेंगे दोनों टीमों के स्टैटिक्स के ऊपर प्रो कबड्डी हिस्ट्री का। और एंड में हम नजर डालेंगे दोनों टीमों के बीच हुए मैचेस के ऊपर, मतलब हेड टू हेड मैचेस के ऊपर, कि कौन सी टीम ज़्यादा जीती है एक दूसरे के खिलाफ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं दोनों टीमों की हिस्ट्री से। तो पहले हम बात करते हैं हैट्रिक चैंपियंस पटना पायरेट्स के बारे में। तो पटना पायरेट्स ने सीज़न वन से अपना जर्नी शुरू कर दिया था। सीज़न वन में वो नंबर 4 पे आए थे पॉइंट्स टेबल में 45 पॉइंट्स के साथ। और उनका सेमीफाइनल वन में मैच था जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ, जहां पर वो हार गए थे 38-80 के पॉइंट स्कोर से। मतलब आप कह सकते हो बुरी तरह हारे थे पटना, लेकिन वो क्वालिफाई करके गए थे। उसके बाद आया सीज़न टू, जहां पर पटना पायरेट्स फिर से क्वालिफाई हो गई, लेकिन इस बार उनका मैच था सेमीफाइनल टू में यू मुंबा के अगेंस्ट, और यहां पर फिर से वो हार गए 35-80 के पॉइंट स्कोर से, मतलब 70 पॉइंट से, मतलब एक और करार हार। तो दो सीजन हारने के बाद अब सीजन थ्री में पटना पायरेट्स ने रैंक टू से क्वालिफाई किया। 58 पॉइंट्स टोटल उन्होंने लिए पॉइंट्स टेबल में। और उसके बाद उनका सेमीफाइनल वन मैच था पटना का पुणे से, जहां पर उन्होंने पुणे को हरा दिया फाइनली दो सीजन बाद, और वो क्वालिफाई हो गए फाइनल्स के लिए। फाइनल में उनका मैच था यू मुंबा के साथ, जहां पर उन्होंने यू मुंबा को हराया 28-31 के पॉइंट स्कोर से। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच था, और यहाँ पर पटना पायरेट्स पहली बार चैंपियन बन गई। उसके बाद आया सीजन फोर, जहाँ पे पटना पायरेट्स ने पॉइंट्स टेबल को लीड किया 52 पॉइंट्स के साथ, और सेमीफाइनल वन में उनका मैच था पुनेरी पल्टन के साथ फिर से, जहाँ पर उन्होंने पुनेरी पल्टन को 4 पॉइंट से हराया 37-33 के पॉइंट स्कोर से, और अपना जगह बना लिया फाइनल में। फिर उनका फाइनल में मैच था जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट, जहाँ पर उन्होंने जयपुर को हराया और बन गए पीकेएल के चैंपियन लगातार दूसरी बार। आप स्कोर देख सकते हो उस मैच का 37-29 था, जहाँ पे पटना 8 पॉइंट से जीता था। उसके बाद आया सीज़न 5, जहाँ पर पटना ने लगातार पांचवी बार क्वालिफाई किया पॉइंट्स टेबल में। वो नंबर 2 पर थे 71 पॉइंट्स के साथ, लेकिन उस टाइम तक 4 नई और टीमें आ चुकी थी, यूपी, हरियाणा, तमिल और गुजरात, जिनसे हम अभी पटना का बैटल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पटना के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था सीज़न जीतना, बिकॉज़ अगर पटना को जीतना था तो उनको लगातार 4 मैचेस जीतना पड़ता। अगर पटना एक भी मैचेस हारती तो वो सीधे बाहर हो जाती, लेकिन पटना ने बता दिया कि वो क्यों चैंप है। एलिमिनेटर टू में उन्होंने हरियाणा स्टीलर्स को हराया 69-30 के पॉइंट स्कोर से। उसके बाद उन्होंने एलिमिनेटर थ्री में पुणे को हराया 32-42 के पॉइंट स्कोर से। फिर उन्होंने क्वालिफाइड टू में बंगाल वॉरियर्स को हराया 44-47 के पॉइंट स्कोर से, और फाइनल में उनका मैच था गुजरात फॉर्चून जायंट से, जिनसे हम अभी पटना का बैटल कर रहे हैं। और वहां पर पटना ने गुजरात को हराया 38-55 के पॉइंट स्कोर से, और इजिली इस मैच को जीत लिया और बन गए प्रो कबड्डी के हैट्रिक चैंपियंस। उसके बाद गाइज अगर हम सीजन 6 पे नजर डालें तो वहां पर पटना पायरेट्स का अच्छा सीजन नहीं था, 2 पॉइंट से वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। मतलब पहला ऐसा सीजन था जहां पे पटना पायरेट्स क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। लेकिन इसके अलावा हम देखें तो पटना पायरेट्स का हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। अब हम नज़र डालते हैं गुजरात फॉर्चून जायंट्स के हिस्ट्री पर। तो गुजरात फॉर्चून जायंट्स ने सीज़न 5 में अपनी एंट्री की, सीज़न 1, 2, 3, 4 वो नहीं खेले थे। सीज़न 5 में 4 नई टीमें आई थी, हरियाणा, यूपी, तमिल और गुजरात, जहां पर एक टीम गुजरात थी। और गुजरात सीज़न 5 में क्वालिफाई हुई नंबर 1 स्पॉट के साथ, 87 उन्होंने पूरे पॉइंट लिए जोने में, और जोने के पॉइंट्स टेबल को उन्होंने लीड किया। उसके बाद बस उनको एक मैच जीतना था, वो फाइनल चले जाते। क्वालिफायर 1 में उन्होंने बंगाल वॉरियर्स को
इजली हरा दिया 42-17 के पॉइंट स्कोर से और फाइनल में अपना जगह बना लिया। फाइनल में उनका मैच था पटना से, तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि वहां पर पटना जीत गई थी गुजरात से 38-55 के पॉइंट स्कोर से। उसके बाद आया सीजन 6। सीजन 6 में भी गुजरात की टीम नंबर 1 पे रही पॉइंट्स टेबल में 93 पॉइंट्स के साथ। जोन एक उन्होंने फिर से लीड किया। इस बार उनका क्वालिफायर 1 में मैच था बेंगलुरु बुल्स के साथ, जहां पर वो हार गए और उनको अब क्वालिफायर 2 खेलना था। तो क्वालिफायर 2 में उन्होंने यूपी योद्धा को 38-31 के पॉइंट स्कोर से हराया और फाइनल में अपना जगह बना लिया। फिर से उनका फाइनल में मैच था बेंगलुरु बुल्स के साथ, जहां पर गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स हार गई लगातार दूसरी बार। प्रो कबड्डी की चैंपियन बनने से वो चुक गए और यहाँ पर पटना ने बेंगलुरु बुल्स ने 38-33 के पॉइंट स्कोर से जीत लिया। तो गाइज ये है गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स का हिस्ट्री। अब हम नज़र डालते हैं दोनों टीमों के स्टैटिक्स के ऊपर। तो पटना ने प्रो कबड्डी में टोटल 112 मैचेस खेले हैं, 62 मैचेस जीते हैं, 38 मैचेस हारे हैं और 12 मैचेस ड्रॉ रहा है। वहीं पर अगर हम गुजरात के स्टैटिक्स पर नज़र डालें तो गुजरात ने टोटल 49 मैचेस खेले हैं प्रो कबड्डी के हिस्ट्री में, 32 मैचेस जीती है, 10 हारी है और 5 ड्रॉ रहा है। अब हम नज़र डालते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस के ऊपर। तो दोनों टीमों के बीच प्रो कबड्डी में टोटल 5 मैचेस हुए हैं, जहां पर 4 बार गुजरात जीती है और 1 बार पटना जीती है। 4 बार गुजरात लीग स्टेज में जीती है और पटना फाइनल में जीती थी। अगर हम बात करें पहले मैच के बारे में, तो पहला मैच इन दोनों टीमों के बीच लीग स्टेज में हुआ था, जहां पर गुजरात जीती थी 30-29 के पॉइंट स्कोर से। वहीं पर दूसरा मैच भी सीजन 5 के लीग स्टेज में हुआ था, जहां पर फिर से गुजरात जीती थी 33-29 के पॉइंट स्कोर से। तीसरा मैच हुआ था सीजन 5 का फाइनल, जहां पे पटना जीती थी 55-38 के पॉइंट स्कोर से। और उसके बाद चौथा मैच हुआ सीजन 6 का लीग स्टेज मैच, जहां पर गुजरात जीती थी 45-27 से। और उसके बाद हुआ लास्ट मैच गुजरात और पटना के बीच लास्ट सीजन, सीजन 6 में, ये लीग स्टेज मैच था, जहां पर फिर से गुजरात जीती थी 37-29 के पॉइंट स्कोर से। तो गाइज अगर आप गुजरात के फैन हो तो आप ये सोचो कि हमने पटना को 5 में से 4 बार हराया है, पटना ने सिर्फ हमको 1 ही बार हराया है, तो हम पटना से अच्छे हैं। अगर आप पटना के फैन हो तो गाइज ये सोचो कि हमने 3 बार ट्रॉफी उठाया है, किसी के अंदर दम नहीं है 2 बार उठाने का, गुजरात ने तो 1 भी बार नहीं उठाया। तो आप ये सोचो कि गुजरात ने 1 भी बार नहीं उठाया, हमने 3 बार उठाया है, इससे आप समझ लो कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है। तो गाइस दोनों टीमें बहुत अच्छी है, होपफुली इस बार दोनों टीमें अच्छा परफॉर्मेंस करें। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना कि सीजन 7 में जो भी मैचेस होने वाले हैं पटना और गुजरात के बीच, उसका रिजल्ट क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना। और बस यही थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब के जन बेल आइकन को बजाइए, ताकि हम जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।